एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक निर्धन लड़का रहता था। गांव में उसके पास आजीविका का कोई साधन नहीं था, परंतु वह बहुत बुद्धिमान था। अपने पिता से उसने काम की कई बातें सीखी थी। एक दिन उसके दिमाग में एक अद्भुत विचार आया। उसने शहर जाने की ठान ली। शहर जाकर उसने एक सस्ती सी दुकान किराए पर ली। दुकान के बाहर एक बोर्ड लगाया जिस पर लिखा था, बुद्धि का सौदागर, यहाँ बुद्धि बिकती है। लड़के की दुकान के आसपास कई तरह की दुकानें थीं, फल, सब्जियाँ, कपड़े, जेवर, मेवे और रोजमर्रा की चीजों की दुकानें। सारे दुकानदार उस लड़के की खिल्ली उड़ाते। भाई, यह दुकान तो बड़े गजब की है, अब तो अक्ल भी बिकाऊ हो गई है। लड़का उन बातों की कोई परवाह नहीं करता था। वह दिन भर आते जाते ग्राहकों को आवाज लगाता, आओ आओ बुद्धि ले जाओ, एकदम खरी, सस्ती और उपयोगी, आओ साहब ले जाओ। काफी दिन बीत गए, बुद्धि के सौदागर की दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आया। वह दुकान बंद करने की सोच ही रहा था कि एक धनी सेठ का मूर्ख लड़का उधर से निकला। उसे समझ नहीं आया कि यह कैसी दुकान है। मेरे पिता मुझे हमेशा निर्बुद्धि और मूर्ख कहते हैं, क्यों ना कुछ बुद्धि खरीद लूं? यह सोचकर उसने सौदागर से कहा, एक शेर का कितना पैसा लोगे? मैं बुद्धि तौल कर नहीं, उसकी किस्म के हिसाब से बेचता हूँ। मेरे पास तरह तरह की बुद्धि है, आपको कैसी बुद्धि चाहिए? तो ठीक है, एक पैसे में जिस तरह की बुद्धि आए दे दो। सौदागर लड़के ने कागज की एक पर्ची निकाली और सेठ के बेटे को दे दी। उस पर्ची पर लिखा था, जब दो झगड़ रहे हों तो वहाँ खड़े होकर उन्हें देखना बुद्धिमानी नहीं है। सेठ का पुत्र खुशी खुशी घर पहुँचा और अपने पिता को कागज की पर्ची देते हुए बोला, देखिए पिताजी, मैं एक पैसे में अक्ल खरीद कर लाया हूँ। सेठ ने पर्ची पढ़ी और तम तमा कर बोले, मूर्ख, एक पैसे में यह क्या लाया है? यह बात तो सभी जानते हैं, तुमने मेरा एक पैसा डुबो दिया। फिर सेठ बाजार गया, उस लड़के को बुरा भला कहते हुए बोला, लोगों को ठगते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरा एक पैसा वापस करो। पैसा क्यों वापस करूं? माल दिया है, पैसा लिया है। ठीक है, यह लो अपना कागज का फटा टुकड़ा, जिसे माल कह रहे हो, नहीं चाहिए हमें तुम्हारा माल। यह लो पर्ची नहीं, मेरी सीख वापस करो। अगर पैसा वापस चाहिए तो आपको एक कागज पर लिखकर देना होगा कि आपका बेटा कभी भी मेरी सीख का प्रयोग नहीं करेगा। बात बन गई, दोनों पक्ष मान गए। सेठ ने कागज पर हस्ताक्षर किए और अपना पैसा वापस लेकर प्रसन्न हो गया। समय बीतता गया। उस प्रदेश के राजा की दो रानियां थीं। एक दिन दोनों रानियों की दासियां बाजार गईं। वहां उनका झगड़ा हो गया, बात हाथापाई तक पहुंच गई। वहीं सेठ का बेटा भी खड़ा था, लेकिन वह करारनामे के अनुसार वहां से खिसक नहीं सकता था। सारे लोग चले गए, मगर वह अकेला ही खड़ा रह गया। बस फिर क्या था, दोनों दासियों ने उसे अपना गवाह बना लिया। झगड़े की बात राजा रानियों तक पहुंची। दोनों रानियों ने लड़के से कहा कि वह उनके पक्ष में गवाही दे। सेठ और उसके बेटे के होश उड़ गए। वे सहायता के लिए बुद्धि के सौदागर के पास पहुंचे। बोले, हमें किसी तरह बचा लीजिए, लेकिन मैं 500 रुपए लूंगा। ठीक है, ये लो 500 रुपए। देखो, जब गवाही देने के लिए बुलाया जाए तो पागल की तरह व्यवहार करना। बुद्धि के सौदागर ने उपाय बताया, सेठ के बेटे ने वही किया। राजा ने उसे पागल समझकर महल से बाहर निकाल दिया। इसी तरह की एक दो घटनाएं और हो गईं। बुद्धि के सौदागर की बातें राजा के कानों में भी पड़ी। राजा ने उसे बुलवाया और पूछा, सुना है तुम बुद्धि बेचते हो, क्या तुम्हारे पास बेचने के लिए और बुद्धि है? जी हुजूर, आपके काम की तो बहुत है, लेकिन 1,00,000 रुपए। तुम्हें 1,00,000 रुपए ही दिए जाएंगे। सौदागर ने एक पर्ची राजा को दे दी। पर्ची पर कुछ लिखा था। राजा ने पढ़ा, कुछ भी करने से पहले खूब सोच लेना चाहिए।
राजा को यह बात बहुत पसंद आई। उसने अपने तकिए के गिलाफ पर, पर्दों पर, अपने कक्ष की दीवारों पर, अपने बर्तनों पर इस वाक्य को लिखवा दिया, जिससे वह इस बहुमूल्य बात को कभी न भूले और न ही कोई और भूल सके। एक बार राजा बहुत बीमार पड़ गया। राजा के एक मंत्री ने वैद्य के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा और राजा की दवा में विष मिला दिया। दवा का प्याला राजा ने अभी मुंह के पास रखा ही था कि उस पर खुदे शब्दों पर उसकी नजर पड़ी। कुछ भी करने से पहले खूब सोच लेना चाहिए। राजा ने प्याला नीचे रखा और दवा को देखकर सोच में डूब गया कि पीऊं या नहीं। वैद्य और मंत्री को लगा कि उनका भंडा फूट गया है। वे दोनों राजा से क्षमा मांगने लगे। महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। राजा ने सिपाहियों को बुलवाकर दोनों को कारागार में डलवा दिया। बुद्धि के सौदागर को उन्होंने अपना मंत्री बनाया और इनाम में खूब सारा धन दिया। यह तो अनोखी दुकान थी, लेकिन बहुत उपयोगी सलाह मिलती थी वहाँ। बच्चों, सलाह रखने के लिए किसी थैले की जरूरत नहीं होती, वह दिमाग में रखी जाती है। किसी भी परिस्थिति में सोच समझकर सही निर्णय लेने वाला ही बुद्धिमान कहलाता है।